Some people say that schools should reward students who show the best academic results, while others believe that it is more important to reward students who show improvements. Discuss both views and give your own opinion. So this essay is about students, and this is a discussion essay. First, we will write our introduction. Then first body paragraph in which we will discuss our first side, benefits of rewarding toppers. Then second body paragraph, the other side, benefits of rewarding those who show progress. And then third body paragraph, which is about our own opinion, then conclusion. Okay, now look at the answer sheet jo ke एग्जाम में हमें प्रोवाइड की जाती है. दिस इज फॉर टास्क वन और टास्क टू के लिए भी बस ऐसी ही होती है. टास्क टू यहाँ पर लिखा होता है, मैंने प्रिंट आउट टास्क वन का ले लिया. सो कैंडिडेट नेम, सेंटर नंबर, ये आपने फिल करके, तो ये लाइंस होती हैं. आपने अपना जो एसे है वो उसके, अब जैसे टास्क वन के लिमिटेड होते हैं कि इतने वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है, इसी तरह एसे के भी लिमिटेड वर्ड्स हैं जिसमें आपने लिखना है. ये आंसर शीट दी जाती है और आपको ये एक दी जाती है, ठीक है. इस पर आपने जो है अपना एसे जो है वो लिखना होता है. अब जो टाइम लिमिट है वो भी हमारे पास बहुत कम होती है, क्योंकि जब आप लिखने लगते हैं तो टाइम किस तरह से गुजरता है आपको पता भी नहीं चलता. आप अगर हर वर्ड्स को इसी तरह गिनना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सो I suggest you to take print out of these answer sheets, task 1 की भी और task 2 की भी, और आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करें. आपको इस तरह से अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग, हर एक की हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है. किसी कोई बड़े वर्ड्स लिखते हैं, कोई स्मॉल वर्ड्स लिखते हैं, तो आपने ये देखना है कि एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं. तो फिर उस तरह से इंट्रोडक्शन, मतलब आप ऐसे जो लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस ही अगर आप ये आंसर शीट पे करेंगे तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि आप इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स लिख रहे हैं. देन बॉडी पैराग्राफ्स में, ठीक है, डिस्कशन ऐसे की भी प्रैक्टिस करें, ओपिनियन ऐसे की, एग्री डिस, मतलब जो भी है आप इसी के ऊपर ही प्रैक्टिस करें अपने जो एसेज हैं, ठीक है. और आपने ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा, अब ये एग्जामिनर के लिए होता है, ये कोहेरेंस एंड कोहेरियन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल, मतलब अंडर लेंथ लिखा है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखे हैं स्टूडेंट ने, ऑफ टॉपिक गया ये स्टूडेंट या मेमोराइज्ड है, मतलब याद करके, वो जो रोट लर्निंग होती है ना, क्रैम करके लिखा हुआ है, ठीक है. ये सारी चीज़ें एग्जामिनर्स देखते हैं, ठीक है. अंडर लेंथ है, मतलब आपने अगर कम वर्ड्स लिखे हैं तो वो अंडर लेंथ का एग्जामिनर कहेगा. इफ़ यू आर गोइंग ऑफ टॉपिक, वो भी एग्जामिनर यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है. और अपने फिर वो कमेंट्स भी देते हैं. तो ये चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना, ठीक है. नाउ लुक एट द एसे. फॉर रिवॉर्ड स्टूडेंट्स यू कैन राइट रिवॉर्डिंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए आप प्यूपिल्स भी यूज कर सकते हैं. प्यूपिल्स एंड स्टूडेंट्स, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ओके. सो पीपल आर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ रिवॉर्डिंग स्टूडेंट्स. पैराफ्रेजिंग हो रही है ना, अभी हमें जो है ये कॉपी पेस्ट नहीं करनी एग्जैक्ट स्टेटमेंट एज इन द एसे प्रॉम्प्ट. वी हैव टू पैराफ्रेज बाय यूजिंग सिनोनिम्स एंड टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स. सो रिवॉर्ड स्टूडेंट्स एंड रिवॉर्डिंग स्टूडेंट्स एंड रिवॉर्डिंग प्यूपिल्स यू कैन राइट. एंड फॉर बेस्ट एकेडेमिक रिजल्ट्स यू कैन राइट different topic related vocabulary words and synonyms. Like for best academic results you can write academic performance, academic scores, or you can write best results, academic achievements, or toppers jo hai topic related vocabulary word hai. And for toppers, matlab jo best academic results show karte hain unhe toppers kehte hain na, ya unhe hum achievers bhi kehte hain. Achievement of the toppers, achievers, toppers, okay. So these are topic related vocabulary words. And in the essay prompt it is more important, and in our introduction we are writing it is better, okay. And show major improvements, show marked improvements, make improvements in the results,
मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट्स एंड शोइंग गुड प्रोग्रेस इन देयर स्टडी. सो जस्ट रीड दिस एसे एंड बाय यूजिंग दीज वर्ड्स आप जो है वो अपने वर्ड्स में लिखे. डिस्कस तो आपने दोनों साइड्स करनी ही है, लेकिन यहाँ पे जो अपना ओपिनियन आपने दोनों है, आई बिलीव डैट वो आप कोई भी एग्जाम्पल्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या अपनी कंट्री से रिलेटेड कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. ओके एंड ऑल्सो प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर स्पीकिंग सेक्शन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स.